सड़क मंत्रालय 2 लाख करोड़ मांगती है तो उसे 1 लाख करोड़ और भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर देश के प्रधानमंत्री ने जो नक्शा बनाया है, मुझे लगता है इससे बड़ा काम देश में जो पिछले 100 साल 17 साल में नहीं हुआ, जो अभी हो रहा है, इसका कोई तुलना ही नहीं किया सकता। अद्भुत है साहब। और इसलिए मैं कहूंगा कि अगर मैं उत्तर बिहार में हूं, और अगर किसी को भी उत्तर बिहार में जाना होगा तो गंगा पार करके जाना होगा, और पीछे मुझे थोड़ा जलन सा हुआ, जलन इस बात का हुआ कि मैंने उत्तर प्रदेश में देखा चुनाव के पहले, जगदम्बिका पाल साहब बैठे हैं, बाकी लोग, एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वहां उतर गया आगरा हाईवे पर, तो मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। और मैंने जाकर के माननीय गडकरी जी को कहा और प्रधानमंत्री जी को कहा, और मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में भी बाकरपुर सोनपुर से डुमरिया घाट तक एक ऐसा ही एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनने जा रहा है, जिसमें गति की जो सीमा होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और जो हम लोग 4 घंटे और 5 घंटे में, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं गोपालगंज के, अब वो मात्र 1 घंटे 10 मिनट में कर पाएंगे। उस पर फाइटर जहाज भी उतरेगा, तो देश के प्रधानमंत्री ने सारण की जनता को और बिहार की जनता को ऐसा सड़क भी दे दिया। गंगा पार करने में बड़ी कठिनाई होती थी, और पैकेज वैकेज की बात करते रहते हैं लोग, विशेष स्टेटस की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की सरकार नीति बनाती है और नीति के साथ जो विकास आता है वो पैकेज वैकेज से कहीं बहुत ज्यादा है। विशेष दर्जा क्या होगा, अगर नीति अगर आपकी सही होगी, सोच सही होगा, योजना सही होगा, तो लाखों करोड़ रुपया राज्य में चले जाएंगे। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं थी, कम से कम हम लोग 25 साल से पार्लियामेंट में है, और इस प्रकार से देश बिहार को आगे बढ़ा रहे। लेकिन बिहार को अपने तो आप सोचना पड़ेगा गिरिराज जी कि कैसे हम लोग को करना है, क्योंकि उफान हो जाता है जब ऐसी बातें होती हैं। 6 लेन गंगा, हम लोग कह रहे थे 2 लेन का गंगा सेतु, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 लेन क्या होता है भाई, जब गंगा पार ही करना है और रूडी के जी के क्षेत्र से जाना है, हाजीपुर से जाना है, तो उसको 6 लेन बनाइए, और आज जेपी सेतु के पैरल 6 लेन बन रहा है। छपरा शहर में हमको बड़ी कठिनाई हो रही थी, 2 लेन था, देश की सरकार से मांग किया, वो आज 6 लेन होने वाला है। और इस बीच में वैशाली जाने की बात, पता नहीं कब से होता था कि वैशाली के लिए पटना से सीधे रास्ता, तो सीधे सोनपुर से निकल करके दरियारा होकर के गंडक पार करके वैशाली, और वैशाली साहेबगंज होके नेपाल, ये भी योजना स्वीकृत है। शेरपुर दिगवारा साहब, मैंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, भाषण में नया गांव में मैंने उनसे कहा कि एक पुल चाहिए, उन्होंने कहा रूडी जी ले लीजिए, वहां से जब सहमति प्राप्त हुई और दिगवारा शेरपुर के बीच में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण हो रहा है, जो पूरे उत्तर बिहार के लिए एक नया 6 लेन 4 लेन न जाने क्या क्या हमारे राज्य में हो रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने सहमति दी, उन्होंने ही मांग की, और केंद्र की सरकार बना रही है, अभी हम केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं। गाजीपुर से हमें आप अच्छा बता दें, अच्छा एनडीए की सरकार बना रही। नहीं, मेरा सर ये माइनस किया जाए, 2 मिनट फिर गड़बड़ किया निशिकांत जी और उन्होंने, तो कुछ नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस होने। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हमको लखनऊ जाना हो, हमको टाइम क्यों लगेगा भाई, क्योंकि बीच में गाजीपुर से छपरा माझीपोला रोड में वो 2 लेन था और हाईवे नहीं था, उसकी भी स्वीकृति होगी खट से, और आज अगर छपरा से हमको लखनऊ जाना हो तो जैसे इस काम को पूरा होगा 2.5 से 3 घंटा में हम छपरा से लखनऊ पहुंच सकते हैं, तो कमाल का चीज है। लोग कहते हैं विशेष दर्जा विशेष दर्जा, अरे भाई नीति बनाओ, योजना बनाओ, सोच बनाओ और आगे निकल जाओ। फिर उसके बाद आगे रिविलगंज बाईपास, उस शहर में रिविलगंज छोटा सा एक नगर पंचायत है, बड़ी दिक्कत होती है, आग्रह किया रिविलगंज बाईपास पूरा सड़कों का जाल है। उतना ही नहीं, दिगवारा से जो नया पुल बनेगा भारतमाला फेज 2 में, फेज 1 में तो नहीं हो रहा है, फेज 1 में राम जानकी पथ तक जाने का मार्ग, तो सड़कों का जाल उत्तर बिहार में। और आज की तारीख में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सारण जिला, क्योंकि हमारा द्वार है, वहीं से आपको उत्तर बिहार में जाना है, तो उत्तर बिहार के लिए और सारण जिला में आज 18,000 करोड़ का काम देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कौन कहता है पैकेज की बात, वो तो सब योजनाओं से ही नीति बनाइए और आगे निकल जाइए जैसे बाकी राज्य करते हैं, तो रोना किस बात का है, हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बढ़ाने का राज्य सरकार का संकल्प का भी दृष्टि अलग होना चाहिए। लेकिन भेल्दी सड़क हो, ये हो, अब ये अच्छी बातें हैं। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, अब मैं नीतिगत पर जाऊंगा, ये तो क्षेत्र का था और राज्य का, मैं नीतिगत फैसला। अध्यक्ष जी, देश की सरकार या राज्य की सरकार सड़क बनाती है, हम सड़क बनाते हैं, किसी तरह से राइट ऑफ वे लेते हैं, सड़क बनाते हैं और एक्सेस कंट्रोल के लिए बैरियर लगा देते हैं, क्या देखते हैं उसके किनारे, कोई शोरूम खोल रहा है, कोई रियल एस्टेट कंपनी वाला जमीन खरीद रहा है, कोई वहां से रास्ता निकाल रहा है,
देश की सरकार सड़क इसलिए नहीं बनाती है कि उसके बगल में दुकान मकान बना करके लोग अपना व्यवसाय करें। और एक नीति होनी चाहिए, जहां जहां नेशनल हाईवे डिक्लेयर होता है, जहां जहां नेशनल हाईवे चाहे एनएचएआई का हो रेंज का हो, साथ ही साथ सर्विस लेन के लिए राज्य सरकार को उसके पैरेलल कम से कम 30 से 50 मीटर राइट ऑफ वे का घोषणा कर देना चाहिए, चाहे उसका एक्विजिशन जब भी हो, लेकिन उसके बगल में कोई काम नहीं होगा जब तक ये वो खेती करता रहेगा, खेती करता रहे, लेकिन जिस दिन देश की सरकार को जरूरत होगी वो सड़क पर इसकी योजना पॉलिसी के स्तर पर वीके सिंह साहब जिस दिन ले आइएगा, तो अमेरिका और जर्मनी और यूरोप की जो बात करते हैं वो हम लोग भारत, कहीं ये नीतिगत फैसला में अभाव है, आपको खरीदने के लिए नहीं कर रहा, भारतमाला में सब पैसा दे दे रहे हैं, लेकिन राज्य भारतमाला की योजना वही स्वीकृत कीजिए जहां राज्य सरकार समय दे दे कि अगर मेरा राइट ऑफ वे 35 मीटर है 40 मीटर है तो 25 मीटर हमारे जिम्मे रहेगा, जब हमारे पास पैसा आएगा हम सर्विस लेन बना देंगे, कम से कम लाखों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है उसका नुकसान तो नहीं हो। तो एक नीतिगत फैसला की जरूरत है, और राज्य सरकार भी जो पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है उसके बगल में भी नीतिगत फैसला होना होगा। सड़कें दुकान बनाने के लिए नहीं है, सड़कें सड़कों पर यात्रा करना है और सुरक्षित रूप से यात्रा करना है एक विषय। एक तो महोदय सभी सांसद ने कुछ कहा और हमने पता लगाया कि आज देश में 1000 करोड़ सिर्फ डीपीआर कंसल्टेंट, दोज हु मेक प्रोजेक्ट्स द डीपीआर, दे हैव द इन्वेस्टमेंट इन जस्ट मेकिंग डीपीआर इन दिस कंट्री इज अबाउट 1000 करोड़। क्या मतलब है साहब? वो डीपीआर बना के लाता है, कहां से रोड निकले, कहां से अंडरपास निकले, कहां पर से बाई रोड निकले, कहां पर से ओवरपास निकले, वो नक्शा बना के लाता है, वहां से अप्रूवल होता है, यहां एनएचएआई में बैठे हुए अधिकारी जिनको पता नहीं, उनके बारे में तो मैं अभी आगे आऊंगा, और वो कर देते हैं, टेंडर हो जाता है, फिर उसके बाद एमपी साहब लोग पिसते रहते हैं, भाई हम इधर से निकलेंगे कैसे, मेरा गाड़ी कैसे निकलेगा, हम रोड पार कैसे करेंगे, हम ऊपर से कैसे जाएंगे, क्योंकि डीपीआर बनाने समय कंसल्टेंट जो होता है जन प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करता है और उसको ग्राउंड लेवल पर पता नहीं होता कि क्या कठिनाई का परिणाम होता है कि आने वाले दिनों में हम सब पिसते हैं। इसलिए कंसल्टेंट और जो कंसल्टेंट ये गलत डीपीआर बना के देता है और जो एनएचआई के अधिकारी इसको अप्रूव करते हैं बिना उनको, उसको क्या पता है, 30 साल से 25 साल से हम लोग देहात में घूम रहे हैं, हम लोग को पता है कि सड़क कहां से निकलता है, कहां से गली जाता है, वो तो नक्शा बना दिया, खींच दिया, टेंडर कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर से लग गया, जमीन एक्वायर कर दिया, उसको क्या पता है। ये कंसल्टेंट है, योजना बनाने में साल भर लग जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन योजना ऐसी बने जिसके कार्यान्वयन 6 महीने में हो जाए प्रॉब्लम क्या होता है, योजना बनाने में कमी रह जाती है और कार्यान्वयन में समय लगता है, इसका मूल कारण यह है, इस पर भी नीतिगत फैसला होना चाहिए। अब मैं सर दो विषयों पर आऊंगा। भारत की सरकार और ये अधिकारी कुछ हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, माननीय मंत्री जी की नीयत एकदम साफ है और मैं आपको दो बता रहा हूं, उल्लेख करना चाहता हूं। ये 2020 का एक नोटिफिकेशन है और आप सब लोग यहां बात कर रहे हैं CRIF एंड CRF एंड दिस इज द नोटिफिकेशन विच गाइड्स एवरी वंस वर्क इन दिस कंट्री व्हिच इज रिलेटेड टू CRIF एंड CRF और इसके आधार पर एक AE, एक JE, एक RO, एक PD वो वहां से प्रस्ताव बना के भेजता है, वो इस अंग्रेजी को समझता है कि नहीं समझता है, और यहां पर बैठे हुए मुख्यालय में लोग उसको रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करके माननीय मंत्री जी को बुरा दिखाने के लिए, सरकार को बुरा दिखाने के लिए निर्णय कराते हैं। और जो भी लोग हैं इस सर्कुलर को मंगा लीजिए और सिंह साहब सर्कुलर मंगा लीजिए, CRF में रोड क्या क्या बनना चाहिए और ये लिखा हुआ है, देखिए सर कैसे होता है, और ये नीतिगत इसलिए है कि पूरा देश के लिए, मेरे लिए नहीं है सर, मेरा तो कोई विषय ही नहीं है। टाइप्स ऑफ वर्क टू बी इंक्लूडेड इन CRF, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, एक उसमें चार में से एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपासेस पैरेलल सर्विस रोड्स अलोंग नेशनल स्टेट हाईवेज बनाना है। अगर आपको CRF में बाईपास बनाना है और अगर पैरेलल सर्विस रोड बनाना है तो इसका प्रावधान कर दिया। अब अगले पन्ने में चलिए, उसमें देता है कि वहीं पर बनेगा, द सेकेंड सेंटेंस रीड्स इन दिस वेरी नोटिफिकेशन एंड एवरी वन मस्ट ब्रिंग आउट अ कॉपी ऑफ दैट नोटिफिकेशन, हाउ समवन हैज ट्विस्टेड इट, बिकॉज किसी के पास इतना वक्त कहां होगा कि ये डिटेल्स को देखे। हाउएवर लैंड एक्विजिशन शैल बी अलाउड फॉर डेवलपमेंट ऑफ NH स्टेट्स इन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट लैंड कॉस्ट, और उसमें कहा है कि जब तक आपके पास जमीन नहीं अनइनकम्बर्ड होगा तब तक हम ये अनुमति नहीं देंगे।
अब बताइए जहां बाईपास बनाना है वहां राज्य सरकार जमीन खरीद करके पहले रखेगी? पहले आप अनापत्ति पत्र दीजिएगा, और जो फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में साफ दिया गया है कि राज्य सरकारें जब ये सर्टिफिकेट दे देंगी कि हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे, तो आपकी योजना भारत सरकार में कंसिडर होना चाहिए। मैं आपको चार योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले चार महीने से, छह महीने से, और मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने बना के भेजा है सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द एंटायर अनएनकंबर्ड लैंड नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। और कहता है कि, कहा जाता है कि इसमें लैंड स्वीकृत नहीं है, और पांचों की पांचों योजनाओं को एक बाबू, एक जीएम उसको रिजेक्ट करके भेज देता है। आखिर कहां कहां सांसद जाके अपनी बात रखते रहेंगे, और ऐसे ऐसे केसेस कहां कहां होते होंगे। सर्कुलर में डिफेक्ट, सर्कुलर के डिफेक्ट पर एक योजना का प्रस्ताव, और ये मैंने आपको दे रखा, आप जांच बैठाइए, और जिस अधिकारी ने इस पर किया है, प्रत्यक्ष रूप से आपके पास ये प्रमाण है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरे पीड़ा पर आना चाहता हूं। महोदय, देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालते हैं हमारा प्रशंसा होता है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है महोदय? 2008 की योजना, 12 साल, 2022, 14 साल हो गए मैं इस सदन में माननीय मंत्री जी के पास, 14 साल से मैं जाके गुहार कर रहा हूं कि मेरी ये योजना, सब अच्छी बातें के बारे में लिखते हैं कि रूडी जी हेलीकॉप्टर उतारेंगे, रूडी जहाज उतारेंगे, हीरो बनेगा, बीच में छह लाइन फेसबुक पर आता है, NH-19 का क्या होगा, हमने यो योजना नहीं बनाई है। और उसके बाद NHAI के 8 चेयरमैन बदल गए, और मैंने ना, मेरा कॉन्ट्रैक्टर से परिचय है, ना मैंने सड़क बनाया, ना मैंने उसकी योजना बनाया, ना मुझे पूरा करना, सिग्रीवाल साहब बैठे हुए हैं, इनको भी और हम दोनों को पिछले 14 साल से जनता गाली दे रही है, और हर बार हम लोग मंत्रालय में दौड़ के, यहां मंत्रालय के इस रोड को कंप्लीट कराओ, जो करना है करा दो, जो करना है करा दो। अब आप देखिए, एक तरफ बैंक्स हैं, बैंक्स का एक कंसोर्शियम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसोर्शियम का लीड है, वो कहता है कि ठीक है हम पैसा दे देंगे, NHAI कहता है, नवंबर माह में कहता है हम पैसा दे देंगे। अब कंसोर्शियम में चार और बैंक है, सबको 5-5 करोड़ रुपया देना है, 197 करोड़ रुपया जाना है। अब एक बैंक पिछले 5 महीना से लेके बैठा हुआ है, अब आपका कोई पैसा सैंक्शन नहीं होगा, 197, जो योजना 400 करोड़ का है वो 1200 करोड़ हो गया है, सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, और 1200 करोड़ गया, अब वो काम 200 करोड़ में समाप्त होना है, 1200 करोड़ का काम 200 करोड़ में समाप्त होना है। नवंबर में स्वीकृति हो गई, महोदय नवंबर में स्वीकृति हो गई, ये मार्च आ गया, बरसात हो जाएगा, पैसा जब आएगा जब बरसात शुरू हो जाएगा, 197 करोड़ रुपया फिर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रस्ताव बनना शुरू होगा कि हमको फिर 300 करोड़ रुपया चाहिए। आखिर बताइए, एक सांसद का, एक जनप्रतिनिधि का, एक व्यक्ति का क्या कसूर है इसमें? और वो अधिकारी अभी आज ही 2 घंटा पहले एक सर्कुलर आया, और उसमें उसको ईसी होता है, 2 घंटा पहले का सर्कुलर है कि उसमें जो आपके पास घाटा सौदा है उसको पूरा कीजिए, नवंबर का स्वीकृति आ जाके उसको उलट दिया इन लोगों ने। अगर हमारे जैसे लोग ना लगे रहें तो पता ही नहीं चले कि सड़क, सर 17-16 साल से सड़क बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर छपरा की जनता नाराज है हमसे तो इस बात को लेकर, इसमें मेरा क्या कसूर है सर? मैं तो हमेशा यह उठाता हूं, कहने का मतलब ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं। और इसीलिए मुझे एक और है, माननीय मंत्री जी भी बहुत अच्छा काम, देश के प्रधानमंत्री आउटस्टैंडिंग, पूरी दुनिया कह रही है, पुरानी योजनाएं लेगेसी को हमको ठीक करना। और मंत्री जी का भी एक बिल्डिंग बन रहा था, उनका NHAI का बिल्डिंग, तो वो भी मेरी वेदना में कहे कि पहले ये पिछले 11 साल में जो मेरा बिल्डिंग बना उन सबका फोटो लगाओ इस पूरे बिल्डिंग में कि कौन कौन GM था जो उसको देख रहा है। हमको भी सर, सांसद को से 2 करोड़ हमको सर थोड़ा सा जमीन और पैसा दीजिए, मैं भी इस योजना के लिए जो NH-19 का है, वो तमाम लोग जो NHAI के चेयरमैन रहे हैं और तमाम लोग जो GM रहे हैं और तमाम लोग का एक एग्जीबिशन और म्यूजियम लगाना चाहता हूं, ताकि देश याद रखे कि NH, जैसे मंत्री जी ने अपने यहां लगवाने के बाद कहा है, मैं भी अपने यहां एक म्यूजियम बनाना चाहता हूं कि 17 साल तक इस सड़क के निर्माण और अभी के अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे, सबका फोटो हमको भी लगवाना। थैंक यू वेरी मच रूडी, मेरा आपसे दो ही पीड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद, अनुरोध है महोदय, ये सब विषयों पर माननीय मंत्री जी, गडकरी जी की जानकारी में नीतिगत रूप से मैंने 2 बातें कही हैं, और जो देश की सरकार के ऊपर जो अनावश्यक ऐसे लोग जो है
उसको लांछन लगा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, काम को खराब कर देते हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को और देश की सरकार को, गिरिराज जी को, सब लोगों को, राजकुमार सिंह साहब को, वीके सिंह साहब को, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको, निशिकांत जी को, ऑल सब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।